हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फादर ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग फिलिप ए फिशर के द्वारा लिखी गई बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट में हाईलाइट किए गए उस मेथड को जानेंगे जो कि एक ग्रोथ कंपनी को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, उसके शेयर खरीदने से पहले, आपको वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि फिलिप ए फिशर ने खुद ही 1955 में मोटोरोला कंपनी को पहचान लिया था। उसके शेयर उन्होंने 1955 से परचेज करके 2004 तक होल्ड रखा था। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे महानतम इन्वेस्टर, भी अपनी सफलता में फिलिप ए फिशर के इन्वेस्टिंग अप्रोच और उनके गाइडेंस का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। इस बुक में स्कलबट टर्म को यूज किया गया है। स्कलबट अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब है कंपनी के बारे में डिटेल में जानने के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स का इंटरव्यू, कंपनी के सप्लायर्स और कस्टमर और उस कंपनी के एम्प्लॉय से उस कंपनी के डिटेल्स में जानने की कोशिश करें। यही है उनके इन्वेस्टिंग का फंडा और स्कलबट अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। साथ के साथ कंपनी के कंपटीटर के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। जैसे अगर आप रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलायंस जियो की कंपटीटिव कंपनी वोडाफोन, आइडिया या एयरटेल के सारी डिटेल्स को भी आपको जानना ज़रूरी होगा। कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसका रेवेन्यू कितना है, यह इन्फॉर्मेशन तो फाइनेंशियल रिपोर्ट से हर कोई देख लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बुक की, आप क्या खरीदें और क्या इन्वेस्ट करें, इसके लिए इन्होंने 15 पॉइंट्स बताए हैं जो कि हर एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी होती हैं, जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए एक बाइबल समझ सकते हैं आप। कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है या कोई सर्विस दे रही है तो क्या उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपना जो सेल्स है, रिवेन्यू है, आने वाले कुछ सालों तक इनक्रीज करता रहेगा। क्या कंपनी का मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट का सफिशियंट अमाउंट रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पे खर्च कर रही है, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जा सकें। अगली बात, क्या कंपनी के पास एवरेज से अबव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। फिलिप ए फिशर कहते हैं कि इस कंपटीटिव एनवायरमेंट में अगर कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छा है, फिर भी उसको अपने को और आगे यानी अपने सेल्स को और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी के मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए उसे एक अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने वाले एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, ऑथर कहते हैं सबसे आखिर में इस बात को बताते हैं, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण भी इसको बोलते हैं। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर ये भी कहते हैं कि इस बात को फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही। फिलिप फिशर सबसे आखिर में इस बात को बताते हैं, साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी का हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ तभी मायने रखता है जब तक कि प्रॉफिट का मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा हो। इसको आइडेंटिफाई करें कि कंपनी $1 अर्न करने के लिए कितने डॉलर खर्च कर रही है। साथ के साथ इस बुक के एंड में कहते हैं कि किसी भी कंपनी को कब बेचना चाहिए। When to sell चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि अगर एक सही कंपनी के शेयर को चुन लिया तो फिर उसे कभी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब buy and hold स्ट्रेटजी को बताते हैं। For example, अगर हम इस स्ट्रेटजी को देखें तो वॉरेन बफेट ने कोका कोला में 1980 में ही इन्वेस्ट किया था और आज तक उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को रखा हुआ है। उन्होंने तब परचेज किया था जब कोका कोला एक छोटी कंपनी थी, बट वो ये भी कहते हैं अगर कंपनी के साथ कोई बहुत ही मेजर चेंजेस आ जाते हैं, मैनेजमेंट के साथ कोई बुरा हो जाता है, एक्सेप्शनल केसेस में फिर आप उस कंपनी के शेयर को सेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बुक समरी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।